जनवरी सन 1967 का प्रातः क्लास चल रहा था, तीसरे पेज की पहली लाइन। ओम शांति। The morning class of the 8th January 1967 was going on. We were at the first line of the third page. Jain hai mirwa maut malu ka shikar. There is a saying, mirwa maut malu ka shikar, meaning the animal dies and the hunter gets his prey. Tum bachche aapas mein behalte rehte the. You children used to remain entertained amongst yourselves. विनाश भी देखते थे, स्थापना के नजारे भी देखते थे. You used to see the destruction as well as the scenes of establishment. तुमको खुशी होती थी. You felt happy. देखते थे कि दुनिया हाय हाय कर रही है. You saw the world is crying in despair. ये तो आज के साक्षात्कारों की बात है. It is about the visions in the beginning. ये बच्चे आपस में खेल पाल करते रहते थे. These children played amongst themselves. ध्यान में जाते थे तो डांस करते थे. They used to dance when they went into a trance. छोटी छोटी बच्चियाँ ऐसे ऐसे बैठ ध्यान में चली जाती थी. Small daughters used to sit like this and go into a trance. आँखों को बंद और वैकुंठ में खेलती रहती थी. They would close their eyes and experience as if they are playing in Vaikunth, meaning heaven. ये सब drama में part. All this is a part in the drama. फिर वो आज कहाँ हैं? Then where are they today? जिन्होंने इतने साक्षात्कार किए, वो कहाँ चले गए? Those who had so many visions, where did they go? बहुत चले गए. कोई कोई ने तो शादी भी कर ली. Many went away. Some even got married. बाबा जानते हैं बॉम्बे में तो मिलने आती हैं. बाबा knows. They do come to meet him at Bombay. बाप बैठकर सभी वेदों शास्त्रों आदि का तुमको सार समझाते. The father sits and explains the essence of all the Vedas, scriptures and so on to you. ये भी शास्त्र पढ़ते थे. This one also used to read the scriptures. इनकी ये तो बहुत गुरु किए हुए. He had made many gurus his own. इनकी बात बताइए. About who was it said? Student, Brahma Baba. ब्रह्मा ने तो बहुत गुरु किए. Brahma had made many gurus his own. 12 गुरु किए थे. He had made 12 gurus his own. भक्त गुरु के थे और कृष्ण के पिछाड़ी तो बहुत डांस करते थे. He was a devotee of the guru and he danced after Krishna a lot, meaning in devotion for him. फिर अनेक प्रकार के हठ योग भी सीखे. Then he learnt many types of hatha yoga, meaning rigorous physical exercises too. फिर वो सब छोड़ दिए. Later he left all that. ये सब पार्ट फिर भी बजाना है ना? He still has to play all these parts, hasn't he? इनको इनको बजाना है. Who has to play it? जो बारह बारह गुरु किए थे भक्ति मार्ग में फिर छोड़ दिए. He had made 12 gurus his own in the path of bhakti, meaning devotion. Then he left them. फिर बोला ये सब पार्ट फिर भी बजाना है ना? Then it was said, he still has to play all these parts, hasn't he? 84 जन्मों का पार्ट फिर ऐसे ही बजाना. He will play the part of 84 births in the same way again. तुमको कितनी क्लियर नॉलेज है? You have such clear knowledge. तो भी नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार. That too number wise at different levels according to the purusharth, meaning spiritual effort. एक जैसी क्लियरिटी सबको नहीं हो सकती.
Not everyone can have the same kind of clarity in knowledge. जो महारथी होते हैं उनकी बाबा महिमा तो करते हैं. बाबा सर्टेनली प्रेजेस द वंस हु आर महारथी मीनिंग ग्रेट वॉरियर्स. ये जो दिखाते हैं पांडवों और कौरवों की युद्ध हुई, द बैटल विच दे शो बिटवीन द पांडव्स एंड द कौरव्स, वो तो सब बनावटी बातें. ऑल दोज आर मेड अप स्टोरीज. कोई स्थूल युद्ध की बात नहीं है. इट इज नॉट अबाउट अ फिजिकल बैटल. अभी तुम समझते हो वो तो है जिस्मानी डबल एग्रेशन. नाउ यू अंडरस्टैंड दैट इज फिजिकल डबल वायलेंस. जो शास्त्रों में दिखाई गई, विच दे हैव शोन इन द स्क्रिप्चर्स. और तुम हो अभी रूहानी डबल अहिंसक. एंड यू आर स्पिरिचुअल एंड डबल नॉन वायलेंट नाउ. बादशाही लेने के लिए तुम देखो बैठ कैसे कैसे काम करते हो, कैसे पुरुषार्थ करते हो. लुक हाउ यू सिट, हाउ यू वर्क, हाउ यू मेक पुरुषार्थ टू टेक द एम्परर्शिप. जानते हो पाप की याद से हमारे विकर्म विनाश होंगे. यू नो अवर रॉन्ग डीड्स विल बी डिस्ट्रॉयड थ्रू द रिमेम्बरेंस ऑफ द फादर. ये पुरना लगा होना चाहिए. यू शुड बी कंसर्न्ड अबाउट दिस. और मेहनत सारी याद करने में ही है. एंड द एंटायर हार्ड वर्क इज इन्वॉल्व इन रिमेम्बरेंस इटसेल्फ. इसलिए भारत का प्राचीन योग आया हुआ है. दैट इज वाई द एंशंट योगा ऑफ भारत मीनिंग इंडिया इज फेमस. वो बाहर वाले भी भारत का प्राचीन योग सीखना चाहते हैं. द आउटसाइडर्स मीनिंग द फॉरिनर्स ऑल्सो वॉन्ट टू लर्न द एंशंट योगा ऑफ भारत. समझते हैं साधु लोग हमको ये योग सिखा देंगे. दे थिंक द सेजेस विल टीच अस दिस योगा. वास्तव में वो साधु लोग सिखाते कुछ भी नहीं. इन फैक्ट दोज सेजेस टीच नथिंग. उनका संन्यास है ही हट योग का. देयर संन्यास मीनिंग रिनंसिएशन इज ऑफ हट योग इटसेल्फ. और तुम तो प्रवृत्ति मार्ग वाले. एंड यू बिलोंग टू द प्रवृत्ति मार्ग मीनिंग द हाउस होल्ड पाथ. मैं तुम प्रवृत्ति मार्ग वाले बच्चों को पढ़ाता हूँ. आई टीच यू द चिल्ड्रन हु बिलोंग टू द प्रवृत्ति मार्ग. उन निवृत्ति मार्ग वाले हठ योगियों को मैं पढ़ाई नहीं पढ़ाता हूँ. आई डू नॉट टीच द नॉलेज टू दोज हठ योगी हु बिलोंग टू द निवृत्ति मार्ग मीनिंग द पाथ ऑफ रिनंसिएशन. वेन इज इट अबाउट? ब्राह्मणों की संगमयुगी दुनिया में ये सब शूटिंग हो रही है. ऑल दिस शूटिंग इज टेकिंग प्लेस इन द वर्ल्ड ऑफ द कॉन्फ्लुएंस एज ब्राह्मिन्स. इशारा पहले भी दे दिया था. अ हिंट वॉज गिवन प्रीवियसली एज वेल. जब बेसिक नॉलेज की वाणी सुनाए रहे थे. व्हेन द वाणी ऑफ द बेसिक नॉलेज वॉज बीइंग नरेटेड. अंदर वाले रह जाएंगे. द इनसाइडर्स विल रिमेन बिहाइंड. और बाहर वाले ले जाएंगे. And the outsiders will take away the inheritance. अंदर वाले कौन? Who are the insiders? है? जो घर घाट छोड़ करके अंदर आकर के सरेंडर होकर के बैठे. It is they who have left the household, come inside and have sat surrendering themselves. और बाहर वाले कौन? And who are the outsiders? जो घर गृहस्थ में रहते हैं. It is those who live in the household. घर गृहस्थ में रहते हैं. Those who live in the household. और प्रवृत्ति में रहते हैं. In प्रवृत्ति. वो ले जा रहे. Will take away the inheritance. ये भी बताया. This was also said. आत्मा रूपी सुई की सारी कट उतरने पर तुम डायरेक्ट वापस. You will learn directly from the father when the entire rust of the needle-like soul is removed. तुम सीखोगे. You will learn. वो सन्यासी गुरु नहीं सीखेंगे. And those sannyasis, those gurus won't learn. उनको मैं आकर के पढ़ाई नहीं पढ़ाता हूँ. I do not teach them the knowledge when I come. तुम प्रवृत्ति मार्ग वालों को आकर के पढ़ाई पढ़ाता हूँ. I come and teach you. The ones belonging to the household path. तो तुम्हारी शुरू में ही किंगडम होती है. Your kingdom is in the beginning itself.
और निवृत्ति मार्ग वाले जो भी गुरु आते हैं, ऑल दोज गुरुज बिलोंगिंग टू द पैथ ऑफ रिनंसिएशन हु कम, या धर्म पिताएं आते हैं और द रिलीजियस फादर्स हु कम, चाहे इब्राहिम हो, बुद्ध हो, क्राइस्ट हो, वेदर इट इज इब्राहिम, बुद्धा और क्राइस्ट, उनकी शुरुआत में किंगडम नहीं होती। दे डोंट हैव अ किंगडम इन द बिगिनिंग। पहले वो अपना धर्म स्थापन करते। फर्स्ट दे एस्टेब्लिश देयर रिलीजन। 200-400 साल धर्म की स्थापना होती रहती है। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रिलीजन कंटिन्यूज फॉर 200-400 ईयर्स। बाद में जब उनकी जनसंख्या लाखों की तादाद में हो जाती है, लेटर व्हेन देयर पॉपुलेशन इंक्रीजेस टू 100,000, तब राजा शुरू, देन देयर किंगशिप स्टार्ट्स। और तुम, एंड व्हाट अबाउट यू, तुम राजयोग से इसी एक जन्म में धर्म भी स्थापन करते हो, धर्म सत्ता के साथ साथ राज्य सत्ता की भी तुम्हारी स्थापना हो जाती है। You establish the religion and along with the dharm satta, you establish the rajya satta as well through rajyoga in this very birth. Dharm satta meaning religious authority, rajya satta meaning political authority. अभी तो अंत है। Now it is the end. अभी तो देखो पंचायती राज्य है। Now look, it is the panchayati rajya. Meaning a system of self-government with a council of members. शास्त्रों में कितनी झूठी बातें लिखी दी हैं। So many false topics have been written in the scriptures. कहते हैं द्रौपदी को 5 पति थे। They say Draupadi had 5 husbands. चक्राता में भी माइयां 5 पति अभी भी करती हैं। देहरादून के पास द विमेन इन चक्राता नियर देहरादून हैव 5 हस्बैंड्स इवन टुडे। चक्राता मीनिंग नेम ऑफ अ विलेज इन उत्तरांचल इंडिया। नाम क्या रख दिया? व्हाट वाज द नेम गिवन? उस गांव का नाम क्या रख दिया? व्हाट वाज द नेम गिवन टू दैट विलेज? चक्राता। चक्राता माने बुद्धि जब चक्राती है, इट मीन्स व्हेन द इंटेलेक्ट इज कंफ्यूज्ड, तो ऐसे ऐसे काम दिखाई दिए। देन सच थिंग्स आर शोन। भक्ति मार्ग की बातें देखो कैसी है। लुक हाउ स्ट्रेंज द टॉपिक्स ऑफ द पाथ ऑफ भक्ति आर। ये सारा गंदे ने शास्त्रों से निकला है। ऑल दिस डर्ट हैज कम फ्रॉम दी स्क्रिप्चर्स। ये मनुष्य गुरुओं ने शास्त्र बनाए हैं। द ह्यूमन गुरुज हैव रिटन दी स्क्रिप्चर्स। पंडितों आदि को समझाओ तो मानते भी हैं। If you explain this to the pandits, meaning learned men and so on, they still accept it, saying, बरोबर ये बातें ठीक हैं। All these things are certainly correct. परंतु ये कहें कि शिव बाबा भगवान है। But if someone says शिव बाबा is God, शिव भगवान वाच है। It is God Shiv who speaks, meaning शिव भगवान वाच, कृष्ण भगवान वाच नहीं है। And not God Krishna who speaks, meaning कृष्ण भगवान वाच, तो साहब उनको कहें तुमको ब्रह्मा कुमारियों का जादू लग गया। Then everyone will tell him you are enchanted by the ब्रह्मा कुमारीज। वो साधु संत महात्मा है। All those sages, saints and great souls, महात्मास, जो हठ योगी है, हु आर हठ योगी, जिनको भगवान डायरेक्ट आकर के राजयोग नहीं सिखाता है, हुम गॉड डजंट टीच राजयोग डायरेक्टली व्हेन ही कम्स, वो इस बात को कभी मान नहीं सकते कि गीता का भगवान कृष्ण उर्फ दादा लेखराज नहीं है। Can never accept this topic that Krishna alias Dada Lekhraj is not God of the Gita. Unki buddhi mein ye baat baithegi nahi. This topic won't sit in their intellect. Abhi jaldi nahi baithegi. It will not sit in their intellect quickly now. Aakhri to baithni hi hai. But finally, it has to sit in any case. To tum bachchon ko is baat par लड़ाई लड़नी पड़े। सो यू चिल्ड्रन हैव टू फाइट ओवर दिस टॉपिक। ये ज्ञान की लड़ाई है। दिस इज द फाइट ऑफ नॉलेज।
अभी वो गुरु लोग अगर इन बातों को मान ले, इफ दोज गुरुज एक्सेप्ट दीज टॉपिक्स नाउ, तो उनके फॉलोअर्स, देन देयर फॉलोअर्स, उनकी हंसी उड़ा देंगे, विल लाफ एट देम, खिल्ली उड़ावेंगे, दे विल मेक फन ऑफ देम, उनके फॉलोअर्स ही कहेंगे भागो यहाँ से, देयर फॉलोअर्स देमसेल्व्स विल टेल देम टू रन अवे फ्रॉम देयर, धंधा ही उनका खत्म हो जाएगा, देयर बिजनेस इटसेल्फ विल एंड, दुनिया में अंधकार तो बहुत है, देयर इज सर्टेनली अ लॉट ऑफ डार्कनेस इन द वर्ल्ड, अभी तो खून ही ना खेल होना है, द प्ले ऑफ अननेसेसरी ब्लड शेड हैज टू टेक प्लेस नाउ, पहले ब्राह्मणों की दुनिया में, फर्स्टली इन द वर्ल्ड ऑफ ब्राह्मिन्स, संकल्पों का खून बहेगा, द ब्लड ऑफ थॉट्स विल फ्लो, और साथ साथ बाहर की दुनिया में स्थूल खून की नदियाँ बहेंगी, एंड अलॉन्ग विथ इट द फिजिकल रिवर्स ऑफ ब्लड विल फ्लो इन द आउटसाइड वर्ल्ड, ये भी एक खेल दिखाते हैं, दिस टू इज अ प्ले दैट इज शोन, यहाँ तो है बेहद की बात, हियर इट इज द अनलिमिटेड, तुम जानते हो कितना खून होगा, यू नो हाउ मच ब्लड शेड विल टेक प्लेस, नेचुरल कैलेमिटीज भी होगी, देर विल बी नेचुरल कैलेमिटीज एज वेल, सबका मौत हो जाएगा, एवरीबडी विल डाई, ब्राह्मणों की दुनिया में भी पहले मौत अनुदा हुआ है, इवन इन द वर्ल्ड ऑफ ब्राह्मिन्स डेथ इज फिक्स्ड बिफोर हैंड, वो है बेहद का मौत, इट इज द डेथ इन द अनलिमिटेड, बाहर की दुनिया में होगी हर तक की मौत, देर विल बी डेथ इन द लिमिटेड इन द आउटसाइड वर्ल्ड, और ब्राह्मणों की दुनिया में होगी, एंड इन द वर्ल्ड ऑफ ब्राह्मिन्स अनिश्चय बुद्धि विनश्यते की बेहद की मौत, देर विल बी डेथ इन द अनलिमिटेड इन द फॉर्म ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ द वंस विद अ डाउटिंग इंटेलेक्ट, ये विनाश क्यों अनुदा हुआ है, वाई इज दिस डिस्ट्रक्शन फिक्स्ड, ये मौत का ड्रामा में अनुदा क्यों हुआ है, वाई इज दिस डेथ फिक्स्ड इन द ड्रामा, ये कयामत न हो विनाश न हो तो नहीं चल सकता क्या, Will it not do if this calamity, this destruction doesn't take place? अगर विनाश न हो सिर्फ स्थापना ही हो जावे तो नहीं चलेगा क्या? Will it not do if the destruction doesn't take place and only the establishment takes place? ये धर्म पिता है, उन्होंने स्थापना की, इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट ने अपने धर्म की स्थापना की, दीज रिलीजियस फादर्स एस्टैब्लिश्ड देयर रिस्पेक्टिव रिलीजन्स, इब्राहिम बुद्धा क्राइस्ट एस्टैब्लिश्ड देयर रिस्पेक्टिव रिलीजन्स, पुराने धर्म का विनाश तो नहीं कराए, बट डिड नॉट इनेबल द डिस्ट्रक्शन ऑफ द ओल्ड रिलीजन्स टू टेक प्लेस, पुराने राज्य का पुरानी मत मतांतरों का विनाश तो नहीं कराए, They certainly did not enable the destruction of the old kingdoms and old opinions to take place. तो रिजल्ट क्या हुआ? So what was the result? दुनिया नीचे जाती है. Is the world going down? या ऊंची उठ रही है? Or is it rising? Someone said it is going down. दुनिया गड्ढे में जा रही है. The world is going into a ditch. काम क्रोध लोभ मोह अहंकार बढ़ते जा रहे हैं, लस्ट एंगर ग्रीड अटैचमेंट एंड ईगो आर इंक्रीजिंग मोर एंड मोर, दुनिया में दुर्गुणों की खान बढ़ती जा रही है, द पाइल ऑफ बैड ट्रेड्स इज इंक्रीजिंग इन द वर्ल्ड, पिशाच वृत्ति बढ़ती जा रही है, द डेविलिश ट्रेड्स आर इंक्रीजिंग, तो धर्म पिताओं ने जो स्थापना की वो धर्म की स्थापना बेकार हो गई, सो द रिलीजन्स विच द रिलीजियस फादर्स एस्टैब्लिश्ड वेंट टू वेस्ट, इसलिए भगवान बाप कहते हैं, दैट इज द रीजन गॉड द फादर सेज, मैं दोनों कार्य कराता हूँ, आई इनेबल बोथ द टास्क टू बी अकम्प्लिश्ड, साथ साथ दोनों कार्य होते हैं, धर्म की स्थापना भी होती है और राज्य का स्थापना भी होती है, बोथ द टास्क take place simultaneously, the establishment of the religion as well as the kingdom takes place.
और पुरानी दुनिया का, पुरानी परंपराओं का, पुराने धर्मों का विनाश भी होता है. And the destruction of the old world, the old traditions and the old religions also takes place. अगर ये विनाश न होवे, if this destruction does not take place, तो सब धर्म की स्थापना का कोई मूल्य नहीं रहेगा. There won't be any value of the establishment of the true Sat religion. ये जरूरी है. This is necessary. मालाएं भी तैयार नहीं हो सकती. Otherwise, the rosaries cannot become ready either. मालाएं तैयार होने के लिए कड़ी परीक्षा होती है. A tough examination takes place for the rosaries to become ready. आठ की माला में एक सौ आठ की माला में 16,000 की माला में दाने कैसे फिर हो जाएंगे? How will the beads be threaded in the rosary of the 8, the 108 and the 16,000? ज्ञान है निश्चय बुद्धि विजयते. There is a saying, निश्चय बुद्धि विजयते, meaning those with a faithful intellect will become victorious. अनिश्चय बुद्धि विनश्यते, विनश्यते क्या शरीर विनाश हो जाएगा? And अनिश्चय बुद्धि विनश्यते, meaning those with a doubting intellect will be destroyed. Does vinashyate mean that the body will be destroyed? क्या इस दुनिया में सबके शरीर विनाश हो जाएंगे? Will the bodies of everyone be destroyed in this world? नहीं, राजयोगियों के शरीर विनाश नहीं होते. No, the bodies of the Rajyogis, meaning those who learn Rajyoga, are not destroyed. उनका पद का विनाश हो जाता है. Their status is destroyed. जितने लंबे समय तक के लिए अनिश्चय बुद्धि बनेंगे, the longer the time they become the ones with a doubting intellect, उतना पद का विनाश हो जाएगा. The more their status will be destroyed. और जितनी जल्दी अपनी अवस्था को कवर कर लेंगे, and the sooner they recover their stage, निश्चय बुद्धि बन जाएंगे, and become the ones with a faithful intellect, उतना जल्दी श्रेष्ठ माला में श्रेष्ठ मान्यता बन जाएंगे. They will become an elevated bead in the elevated rosary soon to that extent. पहले से सब कुछ क्लियर है. Everything is already clear. तो भी ऐसा होता है. Even then it happens like this. मौत सबका होगा. Everybody will die. कोई जीते जी मरेंगे. Some will die a living death. और कोई शरीर छोड़ करके मरेंगे. And some will die leaving the body. जो जीते जी मरेंगे वो नई दुनिया में आएंगे. Those who die a living death will come in the new world. शरीर छोड़ करके जाएंगे, if they go leaving their body, तो कुछ न कुछ पुरानी दुनिया में आएंगे. They will come to the old world to some extent. संपूर्ण 16 कला संपूर्ण नहीं बन सकेंगे. They will be unable to become complete with 16 celestial degrees. कम कलाओं की दुनिया में आएंगे. They will come in the world of fewer celestial degrees. कम जन्म लेने वाले बनेंगे. They will become the ones who have fewer births. तो इसको खूनी नाहक खेल कहा जाता है. So this is called the play of unnecessary bloodshed. नाहक क्यों कहा? Why was it said nahak, meaning unnecessary? Nahak isliye kaha. It was said nahak. Ki jinko malaon ke number mein aana hi nahi hai, unka bhi maut ho jata. Because those who are not to have a place in the rosary at all also die. Isme dekhne ki badi himmat chahiye. You need a lot of courage to see it. क्या देखने की? है? विनाश. To see what? Destruction. सब नहीं देख सकेंगे. Not everybody will be able to see it. जैसे ब्रह्मा बाबा को तो विनाश का साक्षात्कार हुआ. For example, when Brahma Baba had the visions of destruction, तो रोने लग पड़े. He started to cry.
प्रैक्टिकल विनाश हुआ भी नहीं. द डिस्ट्रक्शन डिडंट इवन टेक प्लेस इन प्रैक्टिस. सिर्फ साक्षात्कार हुआ. ही ओनली हैड विजन्स. तो कौन देख सकेगी? सो हु विल बी एबल टू सी इट? जो पक्की आत्मिक स्टेज वाले होंगे वो देख सकेंगे. Those with a perfect soul conscious stage will be able to see it. विनाश के टाइम पर जो डरपोक होंगे वो तो झट बेहोश हो जाएंगे. Those who are covered will faint quickly at the time of destruction. इस विनाश को इन आंखों से देखने के लिए निडरपना बहुत चाहिए. A lot of fearlessness is required to see the destruction through these eyes. तुम तो शिव शक्तियाँ हो ना? You are Shiv Shaktis, meaning consorts of Shiva, aren't you? क्या? What? तुम किसकी शक्तियाँ हो? शिव शक्तियाँ हो. Whose Shaktis are you? You are Shiv Shaktis. और वो? And what about those? जो विनाश नहीं देख सकेगी इन आँखों से? Who won't be able to see the destruction through these eyes? पहले ही पा हो जाएंगे. Those who will die well before? वो किसकी शक्ति है? Whose shaktis are they? शिव की शक्तियाँ नहीं है? Are they not the shaktis of Shiv? Someone said they aren't. वो कोई न कोई दूसरे धर्म पिताओं को फॉलो करने वाले बन जाते. They become the ones who follow one or the other religious fathers. ऊंचे ऊंचे अल्लाह अवल दीन को फॉलो करने वाले नहीं बनते. They do not become the ones who follow the highest Allah अवल दीन, meaning God, that is Allah, who establishes the number one religion. जो नंबर वार नीचे धर्म पिता हैं, नीचे नीचे धर्मों की स्थापना करने वाले हैं, धारणाओं की स्थापना करने वाले हैं, उनको फॉलो करने लग पड़ते. They start following the religious fathers, one lower than the other, who establish the lower religions, lower dharana, meaning precepts. इसलिए उन आत्माओं को शिव शक्तियाँ नहीं कह सकती. That is why those souls cannot be called Shiv Shaktis. और तुम हो शिव शक्तियाँ. And you are Shiv Shaktis. कन्याएं माता ही शिव शक्तियाँ हैं? हैं? Are only the virgins and mothers Shiv Shaktis? या पांडव भी हैं? और are the Pandavs also Shiv Shaktis? पांडव कैसे? Students, the Pandavs are also Shiv Shaktis. How are the Pandavs Shiv Shaktis? वो भी सीता है. A student, they too are Sitas. अंडे. तुम सब आत्मा रूपी सीता है. यू ऑल आर सोल्स इन द फॉर्म ऑफ सीता. तो तुम सब शक्तियाँ हो. सो यू ऑल आर शक्तिस. क्योंकि आत्मिक स्थिति वाली हो. बिकॉज यू आर द वंस विद द सोल कॉन्शियस स्टेज. शिव बाबा है सब शक्ति वाले. शिव बाबा इज ऑल माइटी. हम उनसे शक्ति लेते हैं. वी टेक शक्ति मीनिंग पावर फ्रॉम हिम. वो जो शरीर छोड़ करके चले जाएंगे. Those who leave their body and go away. अथवा कम जन्म लेंगे. वो शिव बाबा से डायरेक्ट शक्ति नहीं ले पाते. और हैव फ्यूअर बर्थ्स आर अनेबल टू टेक पावर फ्रॉम शिव बाबा डायरेक्टली. पतित से पावन बनने की युक्ति बाप आकर के बताते. द फादर कम्स एंड टेल्स अस द मेथड टू बिकम प्योर फ्रॉम सिंफुल. कि पतित आत्मा को कैसे पावन बनाना है. ही टेल्स अस हाउ टू मेक द सिनफुल सोल प्योर. बाप तो बिल्कुल सिंपल राय देते हैं. द फादर गिव्स अ वेरी सिंपल एडवाइस. तुम सतो प्रधान से तमो प्रधान बने. यू हैव बिकम तमो प्रधान फ्रॉम सतो प्रधान. अभी बाप कहते हैं मुझे याद करो. नाउ द फादर सेज रिमेम्बर मी. तो तुम पतित से पावन सतो प्रधान बन जाएंगे. Then you will become pure from sinful. You will become sato pradhan. और कोई दूसरों को याद करते रहे. And if you continue to remember someone else. साथी जीवन में लंबे समय तक
अगर दूसरों को याद करते रहे. इफ यू कंटिन्यू टू रिमेम्बर अदर्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन द पुरुषार्थी लाइफ मीनिंग लाइफ ऑफ मेकिंग स्पिरिचुअल एफर्ट तो अंत मते सो गते हो जाते. देन योर फाइनल थॉट्स विल लीड यू टू योर फाइनल डेस्टिनेशन और अंत मते सो गते वो योगी जिसने लंबे समय तक जो कार्य किया होगा. And everyone will attain the final destination only according to the work they performed for a long time. हिसाब किताब है. These are the karmic accounts. यथार्थ भी बाप ही बताते हैं और बाप ही यथार्थ है. The father alone explains the real meaning and he alone is true. चित्रों में दिखाते हैं. It is shown in the pictures. Vishnu ki nadi se Brahma nikla. Brahma emerged from the navel of Vishnu. In Brahma dwara baith kar sabhi vedo shastron ka saar sunaya. The essence of all the Vedas and scriptures was narrated through this Brahma. Ab ye baatein to tum jante ho. Now you know these topics. विष्णु की नाभि से ब्रह्मा कैसे निकला. हाउ ब्रह्मा इमर्ज्ड फ्रॉम द नेवल ऑफ विष्णु. कैसे निकला. हाउ डिड ही इमर्ज. कब निकला. व्हेन डिड ही इमर्ज. यज्ञ के आदि में. इन द बिगिनिंग ऑफ द यज्ञ कोई युगल जोड़ी थी. देयर वाज अ कपल जिनके संस्कार आपस में मिले हुए थे. Whose संस्कार्स वर हार्मोनाइज्ड विथ ईच अदर. दुनियावी दृष्टि के हिसाब से. फ्रॉम द वर्ल्डली पॉइंट ऑफ व्यू. दुनियावी लोगों के हिसाब से उनके संस्कार बहुत कुछ मिले हुए थे. देन कम्पेयर टू द वर्ल्डली पीपल देयर संस्कार्स वर वेरी मच हार्मोनाइज्ड. उनकी बुद्धि में जो बात बैठी साक्षात्कारों की अर्थ की वो बात कोई की बुद्धि में नहीं बैठी. द मीनिंग ऑफ द विजन्स विच सेट इन दियर इंटेलेक्ट दोज मीनिंग्स डिड नॉट सिट इन एनी वन एल्सेस इंटेलेक्ट. तो कौन था विष्णु. सो हु वॉज विष्णु. ब्रह्मा बाबा की युगल वो तो यशोदा नाम की युगल थी. The name of Brahma Baba's wife was Yashoda. उतना ज्ञान की गहराइयों को समझती भी नहीं थी. She didn't understand the depth of knowledge much. सिर्फ ब्रह्मा बाबा के पीछे पीछे चल पड़ी. She just followed Brahma Baba. Mount Abu तक भी आ गई. She came to Mount Abu as well. लेकिन ज्ञान तो बुद्धि में कुछ भी नहीं था. But there was no knowledge in her intellect at all. तो क्या यशोदा और दादा लेखराज ब्रह्मा को विष्णु रूप कहें. सो विल यशोदा एंड दादा लेखराज ब्रह्मा बी कॉल्ड द फॉर्म ऑफ विष्णु. ये तो हो नहीं सकता. इट कैनॉट बी सो. अगर ऐसा होता. हैड इट बीन सो. तो ओम राधे मम्मा को निमित्त बनाने की क्या दरकार थी. वॉट वॉज द नीड टू मेक ओम राधे मम्मा एन इंस्ट्रूमेंट. ओम राधे मम्मा को निमित्त बनाया गया यज्ञ की मातृशक्ति के रूप में. ओम राधे मम्मा वॉज मेड इंस्ट्रूमेंट एज द मातृशक्ति मीनिंग मटर्नल पावर ऑफ द यज्ञ. तो कौन था वो विष्णु. सो हु वॉज दैट विष्णु. जिसकी नाभि से ब्रह्मा निकला. फ्रॉम हुज नेवल ब्रह्मा इमर्ज्ड. कहते हैं ब्रह्मा बाबा अंतिम जन्म में भी लौकिक धंधे धोरी में कोई भागीदार के साथ थे. इट इज सेड दैट इन द लास्ट बर्थ ऑल्सो ब्रह्मा बाबा हैड अ पार्टनर इन हिज वर्ल्डली बिजनेस. वो लौकिक में भी भागीदार तो अलौकिक में भी भागीदार था. जिसमें परमात्मा शिव ने पहले पहले प्रवेश किया.
The one whom the Supreme Soul Shiv entered first of all was the partner in the laukik as well as the alaukik life. तो परमात्मा शिव प्रवृत्ति वाले में प्रवेश करेगा. So will the Supreme Soul Shiv enter the one belonging to the household path? या निवृत्ति वाले में प्रवेश करेगा. Or the one belonging to the path of renunciation? जिसकी पक्की प्रवृत्ति हो आज से लेकर अंत तक भी. He enters the one who firmly belongs to the household path. वैष्णो देवी की पक्की प्रवृत्ति है. Vaishno Devi has a perfect pravritti, meaning household path, from the beginning till the very end. Vaishno Devi kaho, Parvati kaho. Call her Vaishno Devi, call her Parvati. Baat ek hi. It is the same thing. Parvati ke liye shastron mein bhi gayan hai. There is also a saying in the scriptures for Parvati. Varam Shambhu न तू रहो कुमारी, जन्म जन्म लगी रगर हमारी. वरुण शंभु न तू रहो कुमारी, जन्म जन्म लगी रगर हमारी. मीनिंग आई शेल ईदर वेड शंभु, मीनिंग शंकर, और रिमेन अ वर्जिन. दिस इज माई वाउ फॉर मेनी बर्थ. एक जन्म की बात नहीं है. इट इज नॉट अबाउट वन बर्थ. अगर जन्म जन्मांतर भी पुरुषार्थ करना पड़े. If she has to make purusharth birth after birth, तो वो भी यही लक्ष्य है. Even then her very goal is कि मैं शंभु की बन करके रहूंगी. I will belong only to Shambhu. और कोई को वरण नहीं करूंगी. I won't wed anyone else. बाबा भी हम बच्चों की यही बात सिखाते हैं. Baba also teaches us children the same thing. Ek Shiv Baba, dusra na koi. One Shiv Baba and no one else. To sab atmaye hain. So all are souls. Sab atma rupi sitaye kaho, sajaniya kaho. Call everyone souls in the form of Sita, brides. Ek baap ki hai. Lekin number waar hai. All belong to the one father, but are number wise. That is, they are at different levels. ये नंबर वार किस आधार पर बन जाते हैं? On what basis do they become number wise? क्या पुरुषार्थ? Student, according to their पुरुषार्थ. What पुरुषार्थ? वो पुरुषार्थ की ऐसी कौन सी बात है जो नंबर वार बन जाते हैं? What is that topic of पुरुषार्थ which makes them number wise, meaning of different level? एक शिव बाबा दूसरा न कोई. इस नियम को पालन करने में नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार बन जाते. स्टूडेंट, वन शिव बाबा एंड नो वन एल्स, दे बिकम नंबर वाइज अकॉर्डिंग टू देयर पुरुषार्थ इन फॉलोइंग द रूल वन शिव बाबा एंड नो वन एल्स. ये नंबर कहाँ बनते हैं? वेर आर दीज नंबर्स फिक्स्ड? सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में, बन रहे. इज इट इन द गोल्डन एज, द सिल्वर एज, द कॉपर एज, और इन द आयरन एज? स्टूडेंट, इन द कॉन्फ्लुएंस एज. दे आर बीइंग फिक्स्ड इन द कॉन्फ्लुएंस एज. हर एक अपनी अपनी स्थिति को जानता है पुरुषार्थ में. मेरी स्थिति कैसी चल रही है जब से ज्ञान में आए तब से लेकर. एवरी वन नोज देयर स्टेज, how their stage in purusharth is ever since they came in knowledge. Ek mein buddhi gayi, did their intellect go towards the one? Ya anekon mein buddhi jati rahi, or did it keep going towards many? Agar ek ke wafadar ban kar ke rahe, if they remain faithful to the one, ek ke farman bardar ban kar ke rahe, if they remain compliant to the one, ek ke sath puri imandari nibhai, if they remain completely honest to the one, तो नंबर जरूर ऊंचा जाएगा. Then their number in the rosary will definitely go high. इसलिए, that is why, Supreme Soul बाप आखिरी जन्म में जब आते हैं, when the Supreme Soul Father comes in the last birth, तो ऐसे प्रवृत्ति के युगल मणके में प्रवेश करते हैं. He enters such couple beads that belong to the household path. एक में प्रवेश करते हैं.
डायरेक्शन देने के लिए. ही एंटर्स वन टू गिव डायरेक्शंस. और दूसरे में प्रवेश करते हैं. एंड ही एंटर्स द अदर. पता नहीं पड़ता. बट नोबडी कम्स टू नो अबाउट इट. लॉ और लव का बैलेंस रखने के लिए. टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन लॉ एंड लव. ये लॉ और लव का बैलेंस इस आखिरी जन्म में ही परमात्मा शिव जिस आत्मा को सपोर्ट करते हैं वो ये बैलेंस रख पाती है. Only the soul whom the supreme soul Shiv supports is able to maintain this balance between law and love in this very last birth. ये बैलेंस रखने वाली आत्मा. The soul which maintains this balance. प्रैक्टिकल कार्य को संपन्न करती है. Accomplishes the task in practice. प्रैक्टिकल होता है प्योरिटी से. Something takes place in practice through purity. पुरुष. अ मैन मीनिंग पुरुष. वो प्योरिटी को अपनाने वाला प्रैक्टिकल कार्य नहीं कर सकता. कैनॉट डू द वर्क ऑफ असिमिलेटिंग प्योरिटी इन प्रैक्टिस. कोई भारत की कन्या माता ही निमित्त बनती आखिरी जन्म. इट इज सम वर्जिन और मदर ऑफ इंडिया हु बिकम्स एन इंस्ट्रूमेंट इन द लास्ट बर्थ. तो दिखाते हैं कि विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला. So it is shown that Brahma emerged from the navel of Vishnu. तो ये विष्णु कौन हुआ? So who is this Vishnu? और ब्रह्मा कौन हुआ? And who is this Brahma? है? Original Brahma कौन हुआ और टाइटलधारी ब्रह्मा कौन हुआ? Who is the original Brahma and who is the title holder Brahma? गीता माता ओरिजिनल ब्रह्मा हुई. मदर गीता इज द ओरिजिनल ब्रह्मा. और विष्णु कौन हुआ? एंड हु इज विष्णु? हुआ विष्णु कौन हुआ? स्टूडेंट प्रजापिता. प्रजापिता इज द नेम ऑफ ओनली वन पर्सन. ही इज नॉट विष्णु. विष्णु तो लक्ष्मी नारायण को कहा जाता है जिनके संस्कार आपस में टकराते न हो. In fact, Lakshmi Narayan, those whose sanskars don't clash with each other are called Vishnu. Sanskar milenge. Student, their sanskars will harmonize. Milenge. They will harmonize. तो ये भी क्या आदमी विष्णु कौन हुआ? ये तो मिलेंगे बार बात की बात है. So who was Vishnu in the beginning of the yagya? It is about the future that they, that is their sanskars will harmonize. मिले हुए थे तो कौन थे वो? स्टूडेंट देयर संस्कार्स वर हार्मोनाइज्ड वरन दे. देयर संस्कार्स वर हार्मोनाइज्ड देन हु वर दे? राधा बच्ची. हाँ राधा बच्ची पार्वती और वो भागीदार. स्टूडेंट्स डॉटर राधा. यस डॉटर राधा एंड दैट पार्टनर. तो बोला. सो इट वॉज सेड. इन ब्रह्मा द्वारा बैठ करके सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाया. द एसेंस ऑफ ऑल द वेदास एंड स्क्रिप्चर्स वॉज नरेटेड थ्रू दीज ब्रह्मा. इन्हें क्यों लगा दिया? वाई वॉज दीज वंस यूज्ड? इन ब्रह्मा द्वारा क्यों लगा दिया? इस ब्रह्मा द्वारा क्यों नहीं बोला? वाई वॉज इट सेड थ्रू दीज ब्रह्मा? वाई वॉजंट इट सेड थ्रू दिस ब्रह्मा? समवन सेड समथिंग. हाँ दो है, एक ओरिजिनल और दूसरा टाइटलधारी. यस देर आर टू ब्रह्मास. वन इज ओरिजिनल एंड द अदर इज द टाइटल होल्डर ब्रह्मा. यज्ञ के आज में ब्रह्मा बाबा वाणी चलाते थे. डिड ब्रह्मा बाबा नरेट द वाणी इन द बिगिनिंग ऑफ द यज्ञ? या कोई माता निमित्त बनी हुई थी? और वॉज सम मदर मेड द इंस्ट्रूमेंट? माता थी. स्टूडेंट अ मदर वॉज मेड द इंस्ट्रूमेंट. देर वॉज अ मदर. तो इन्हें द्वारा बैठ करके सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाया. सो द एसेंस ऑफ ऑल द वेदास एंड स्क्रिप्चर्स वॉज नरेटेड थ्रू दीज वंस. ये तुम जानते हो. यू नो दिस. और कोई नहीं जानता. नो वन एल्स नोस दिस. ब्रह्मा सो विष्णु. दे बिकम विष्णु फ्रॉम ब्रह्मा. और विष्णु सो ब्रह्मा बनते. एंड ब्रह्मा फ्रॉम विष्णु.
ब्रह्मा द्वारा स्थापना एस्टेब्लिशमेंट टेक्स प्लेस थ्रू ब्रह्मा काय की स्थापना द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ व्हाट ब्राह्मण धर्म की स्थापना द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ब्राह्मण रिलीजन नई दुनिया की स्थापना नहीं इज इट नॉट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द न्यू वर्ल्ड स्वर्ग की स्थापना नहीं इज इट नॉट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हेवन राजधानी की स्थापना नहीं इज इट नॉट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कैपिटल ब्रह्मा द्वारा स्थापना गाई हुई है The establishment is praised through Brahma. तो काय की स्थापना So the establishment of what? ब्राह्मण धर्म की स्थापना वो तो हो गई. The establishment of the Brahmin religion that did take place. नंबर वाइज ब्राह्मण तो तैयार हुए नंबर वाइज Brahmins were certainly created. नंबर वाइज Brahmins, meaning those at different ranks. चलो सब एक जैसी प्योरिटी को धारण करने वाले ब्राह्मण नहीं बने ऑल राइट ऑल ऑफ देम डिड नॉट बिकम ब्राह्मिन्स हु असिमिलेट द सेम लेवल ऑफ प्योरिटी सब एक जैसे मुखवंशावली ब्राह्मण नहीं बने नॉट एवरीवन बिकेम मुखवंशावली ब्राह्मिन्स ऑफ द सेम टाइप मुखवंशावली मीनिंग प्रोजेनी बॉर्न फ्रॉम द माउथ मीनिंग द नॉलेज कि जो भी ब्रह्मा मुख से बात निकली उस बात को फॉलो करने वाले बने सो दैट दे वुड फॉलो वॉट एवर केम आउट थ्रू द माउथ ऑफ ब्रह्मा लेकिन नंबर वार तो बने ना बट दे सर्टनली बिकेम नंबर वाइज मीनिंग ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ब्राह्मिन्स देन दे तो जो नंबर वार ब्राह्मण बने सो नंबर वार देवता बनेंगे सो दोज हु बिकेम ब्राह्मिन्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज विल बिकम डीटीज अकॉर्डिंगली ब्राह्मण सो देवता बने दे डिड बिकम डीटीज फ्रॉम ब्राह्मिन्स आदि में भी बने थे और अंत में भी बने दे बिकेम दैट इन द बिगिनिंग एज वेल एज दे विल बिकम दैट इन द एंड आदि में शूटिंग हुई द शूटिंग ऑल्सो टुक प्लेस इन द बिगिनिंग अंत में शूटिंग पूरी हो जाती है द शूटिंग इज कम्प्लीटेड इन द एंड आदि में भी सैंपल बना नई दुनिया का The sample of the new world was made in the beginning. और अंत में भी सैंपल बनता है As well as it is made in the end. सैंपल बनता है या प्रैक्टिकल बनता है प्रैक्टिकल बनता है Is the sample of the new world made or is it the real new world made in practice? It is made in practice. संपन्न स्टेज में बनता है It is made completely. अभी ये टाइम फिर से आ गया नाउ द टाइम हैज कम वंस अगेन प्रैक्टिकल पार्ट जो ड्रामा में नुधा हुआ है वो अभी सामने आने वाला है द प्रैक्टिकल पार्ट विच इज फिक्स्ड इन द ड्रामा इज गोइंग टू कम इन फ्रंट ऑफ अस नाउ ब्रह्मा द्वारा स्थापना जो नुधी हुई है द टास्क ऑफ एस्टेब्लिशमेंट थ्रू ब्रह्मा विच इज फिक्स्ड वो परिपूर्ण होगी जरूर will certainly be completed aise nahi sirf brahman dharm ki sthapna hokar reh jayegi it is not that only the establishment of the brahmin religion will take place aur devata dharm sthapan nahi hoga and the deity religion will not be established swarg ki sthapna nahi hogi heaven will not be established rajdhani ki sthapna nahi hogi nahi the capital will not be established no brahma टाइटलधारी ने भले शरीर छोड़ दिया ऑल्दो द टाइटल होल्डर ब्रह्मा लेफ्ट द बॉडी लेकिन वो टाइटलधारी ब्रह्मा भी अभी भी प्रवेश करके बच्चों में कार्य कर रहा है ही इज एंटरिंग द चिल्ड्रन एंड डूइंग हिज टास्क इवन नाउ जिन बच्चों में प्रवेश करके कार्य कर रहा है उनको उमंग उत्साह देता है He increases the zeal and enthusiasm of the children whom he is entering and he is doing his task. Mamma bhi unko utsah de rahi. Mamma is also increasing their zeal and enthusiasm. Wo aatma akeli nahi hai. Unke piche piche dher sara hujum. Those souls are not alone. There is a huge crowd of souls behind them. Jo pravesh karke unko utsah bharne ka kaam kar rahi hai. Who are doing the task of increasing the zeal and enthusiasm after entering the children? ये कार्य inspiring party का जब पूरा होता है
तो ब्रह्मा सो विष्णु जैसा बन जाता है। When this task of the inspiriting party is accomplished, then he becomes like Vishnu from Brahma. Brahma और विष्णु इन दोनों मूर्तियों में कोई अंतर नहीं रह जाता। Then there is no difference left between the two personalities, Brahma and Vishnu. चाहे वो टाइटलधारी ब्रह्मा हो और चाहे वो ओरिजिनल ब्रह्मा हो। Whether it is the title holder Brahma or the original Brahma. So Brahma द्वारा स्थापना जो गाई हुई है. So the establishment through Brahma that is praised. पहले ब्राह्मण बनते हैं या पहले देवता बनते हैं? ब्राह्मण. Do we become Brahmins first or do we become deities? पहले ब्राह्मण बनते हैं. We become Brahmins first. तो टाइटलधारी ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना का कार्य पूरा हो गया। So the task of the establishment of the Brahmin religion was accomplished through the title holder Brahma. लेकिन क्या कार्य रह गया? But which task was left? ब्राह्मण सो देवता बनने का कार्य अभी भी रहा हुआ। The task of becoming deities from Brahmins is still pending. वो कौन करेगा? कौन सा ब्रह्मा करेगा? प्रजापति। नहीं। Who will do that? Which Brahma will do that? Student, Prajapita Brahma. No. पुरुषों के द्वारा स्वर्ग के गेट नहीं खोले जा सकते। The gates of heaven cannot be opened by males. सब पुरुषों को दुर्योधन दुशासन टाइटल दे दिया। All men have been given the title of Duryodhan and Dushasan, meaning villainous characters in the epic Mahabharat. अगर वही उद्घाटन करेंगे गेट खोलेंगे तो गेट कैसा बनेगा? इफ दे देमसेल्व्स डू द इनॉग्रेशन ओपन द गेट्स देन व्हाट काइंड ऑफ अ गेट विल इट बिकम? है देवताओं का गेट बनेगा? विल इट बिकम द गेट ऑफ डीटीज? या फिर असुरों का गेट बन जाएगा? और विल इट बिकम द गेट ऑफ डीमंस अगेन? स्टूडेंट ऑफ द डीमंस। इसलिए माता गाई हुई। This is the reason the mother is praised. माताओं के द्वारा स्वर्ग की स्थापना करता हूँ, स्वर्ग के गेट खोलता हूँ। I establish heaven. I open the gates of heaven through the mothers. माताओं के द्वारा राजधानी का उद्घाटन होता है। The capital is inaugurated through the mothers. तो वही यज्ञ वाली महादेव वाली माता। So the same mother of the beginning of the yagya. जो डायरेक्शन देती थी। Who used to give directions? ड्रिल कराती थी। Who made mamma baba perform the drill? टीचर बन करके बैठती थी। Who sat as a teacher? जिनके लिए अभी भी मुरली में बोला गया। For whom it was said just now in the murli? इन द्वारा बैठ करके सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाया। The essence of all the Vedas and scriptures was narrated through these ones. किन द्वारा? Through whom? टाइटलधारी ब्रह्मा द्वारा और ओरिजिनल ब्रह्मा द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाया। द एसेंस ऑफ ऑल द वेदास एंड स्क्रिप्चर्स वॉज नरेटेड थ्रू द टाइटल होल्डर ब्रह्मा एंड द ओरिजिनल ब्रह्मा। वो दोनों ही ब्रह्मा की आत्माएं फिर निमित्त बनती। बोथ द सोल्स ऑफ ब्रह्मा बिकम इंस्ट्रूमेंट्स अगेन। टाइटलधारी ब्रह्मा कोई माता में प्रवेश करता है। The title holder Brahma enters some mother. वो माता वही है जो यज्ञ की आदि वाली माता थी। It is the same mother who was in the beginning of the yagya. प्रवेश करके स्वर्ग के गेट खोलने के निमित्त बनती। After entering her, he becomes an instrument to open the gates of heaven. राजधानी स्थापन करने के निमित्त बनती है। He becomes the instrument to establish the capital. तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना पक्की बात है। सो द एस्टैब्लिशमेंट थ्रू ब्रह्मा इज सर्टन। फिर जो स्थापना करते हैं वो पालना भी करते हैं। देन द वंस हु एस्टैब्लिश सस्टेन एज वेल। क्या कहा? व्हाट वाज सेड? जिन्होंने स्थापना की है। दोज हु हैव डन द एस्टैब्लिशमेंट। वो ही फिर अंत में पालना भी करेंगे। They themselves will also sustain in the end. किसकी पालना करेगी? देवता धर्म की पालना करेगी। Whom will they sustain?
दे विल सस्टेन द डीटी रिलीजन. सिखों में गाया भी जाता है क्या? देर इज ऑल्सो अ सेइंग अमंग द सिक्स. वॉट? राज करेगा खालसा. राज करेगा खालसा मीनिंग द प्योर वन विल रूल. कौन राज करेगा? हु विल रूल? जो खालिस आत्मा होगी वो राज करेगी. द खालिस मीनिंग प्योर सोल्स विल रूल. खालिस मना पर. स्टूडेंट व्हाट डज खालिस मीन? खालिस मीन्स प्योर. तो पवित्र आत्माओं का स्वरूप ब्रह्मा सो विष्णु गाया हुआ. द फॉर्म ऑफ द प्योर सोल्स इज प्रेज्ड एज ब्रह्मा सो विष्णु. ये सब राज अच्छी रीति समझाए जाते हैं. ऑल दीज सीक्रेट्स आर एक्सप्लेन्ड प्रॉपरली. इसके द्वारा समझाए जाते ब्रह्मा के द्वारा. थ्रू हु आर दे एक्सप्लेन्ड? इज इट थ्रू ब्रह्मा? ब्रह्मा माँ के द्वारा सब राज नहीं समझाए जाते. नॉट ऑल द सीक्रेट्स आर एक्सप्लेन्ड थ्रू द मदर ब्रह्मा. सिर्फ बात बताई जाती है. ओनली द पॉइंट्स आर नरेटेड. जो शास्त्रों का सार है वो सुनाया जाता है. द एसेंस ऑफ द स्क्रिप्चर्स इज नरेटेड. लेकिन उस सार का भी अर्थ क्या है? बट वॉट इज द मीनिंग ऑफ इवन दैट एसेंस? वो बाप खुद बैठ करके टीचर बनकर के समझा. द फादर हिमसेल्फ सिट्स एंड एक्सप्लेन्स इट एज द टीचर. तुम समझते भी हो? यू अंडरस्टैंड इट एज वेल. इनको ये ख्याल रहेगा. दिस वन विल हैव द थॉट कि कैसे सबको ये रूहानी ज्ञान मिलना चाहिए. हाउ दिस स्पिरिचुअल नॉलेज शुड रीच एवरीवन. हमारे पास धन है तो जाकर के सेंटर खोले. इफ वी हैव मनी वी शुड गो एंड ओपन अ सेंटर. बहुतों का कल्याण हो जाएगा. मेनी विल बी बेनिफिटेड. बाप कहते हैं. द फादर सेज. अच्छा तुम्हारे पास मकान नहीं है पैसा है. अच्छा इफ यू डोंट हैव अ हाउस इफ यू हैव मनी तो किराए पर ही मकान ले लो. देन टेक अ हाउस ऑन रेंट. उसमें ही हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलो. ओपन दिस हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी इन इट. योग से मिलती है मुक्ति. लिबरेशन इज अटेन्ड थ्रू योगा. और ज्ञान से मिलती है जीवन मुक्ति. एंड लिबरेशन इन लाइफ इज अटेन्ड थ्रू नॉलेज. क्या बात हुई? है? योग से मुक्ति कैसे? वॉट इज दिस? हाउ इज लिबरेशन अटेन्ड थ्रू योगा? योग से क्या होता है? पाप कर्म बस होते. वॉट हैपन्स थ्रू योगा? सिंफुल डीड्स आर बर्न टू एशेज. तब जब पाप कर्म सारे ही भस्म हो जाएंगे तो वाइब्रेशन कैसे बन जाएगी? हाउ विल द वाइब्रेशंस बिकम व्हेन ऑल द सिंफुल डीड्स आर बर्न टू एशेस? शुद्ध वाइब्रेशन बन जाएगी. द वाइब्रेशंस विल बिकम प्योर. शांत वाइब्रेशन बन जाएगा. द वाइब्रेशंस विल बिकम पीसफुल. और शांति पहली प्राप्ति की चीज है. एंड पीस इज द फर्स्ट थिंग टू बी अटेंड. कोई की आत्मा शांत न हो तो वो जीवन में सुख नहीं भोग सकती. इफ समवन्स सोल इज नॉट पीसफुल इट कैन नॉट एक्सपीरियंस हैप्पीनेस इन इट्स लाइफ. पहले शांति फिर सुख भोगा जा सकता. First peace is required and then happiness can be experienced. शांति ऊंची स्टेज है और सुख उससे भी ऊंची स्टेज है. Peace is a high stage and happiness is a stage higher than that. ऐसा सुख जिसमें दुख का नाम निशान न हो अशांति का नाम निशान न हो. Such happiness which doesn't have any name and trace of sorrow, which doesn't have any name and trace of restlessness. वो सुख की सृष्टि की स्थापना परमात्मा बाप आकर के कराते ब्रह्मा के द्वारा.
द सुप्रीम सोल फादर कम्स एंड इनेबल्स द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दैट वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस टू टेक प्लेस थ्रू ब्रह्मा। ब्रह्मा द्वारा सुखधाम का गेट खुलवाते ही हैज द गेट ऑफ द अबोड ऑफ हैप्पीनेस ओपन थ्रू ब्रह्मा। और शांति धाम का गेट एंड व्हाट अबाउट द गेट ऑफ द अबोड ऑफ पीस। सुखधाम का गेट तो ब्रह्मा द्वारा। द गेट ऑफ द अबोड ऑफ हैप्पीनेस इज ओपन थ्रू ब्रह्मा। शांति धाम का गेट कौन खोलेगा? देन हु विल ओपन द गेट ऑफ द अबोड ऑफ पीस? स्टूडेंट शंकर। शंकर द्वारा शांति धाम की स्थापना होती है। द अबोड ऑफ पीस इज एस्टेब्लिश्ड थ्रू शंकर। मन पाप कर्म किसकी याद से भस्म होंगे? इट मीन्स थ्रू हुज रिमेम्बरेंस विल द सिनफुल डीड्स बर्न टू एशेस। बाप की याद से सब पाप कर्म भस्म हो जाते। ऑल द सिनफुल डीड्स विल बी बर्न टू एशेस थ्रू द रिमेम्बरेंस ऑफ द फादर। जब पाप कर्म भस्म हो जाएंगे तो दुष्ट संकल्प कोई भी आवेंगे। When the sinful deeds are burnt to ashes, you will have no wicked thoughts at all. मन या चित्त शांत हो जाएगा। The mind or चित will become peaceful. तो योग से है मुक्ति और ज्ञान से है जीवन। So liberation is attained through yoga and liberation in life is attained through knowledge. ज्ञान की धारणा सबसे जास्ती किस में होती है? Who assimilates the knowledge the most? 500 करोड़ आत्माओं के बीच में सबसे जास्ती जीवन मुक्ति कौन भोगता है? Who experiences liberation in life the most among the 5 billion souls? है? प्रजापिता भोगता है? कोई कहता है वैष्णव भोगती है? A student, Vaishnavi, another student, Prajapita. You are saying Prajapita experiences it. Someone says Vaishnavi experiences it. जो ज्ञान है उससे मिलती है जीवन मुक्ति। Liberation in life is attained through knowledge. जीवन में रहते हुए ऐसे कौन से कर्म किए जाए? What actions should we perform in the life? कैसा वातावरण बनाया जाए? What kind of an atmosphere should we create? कैसी वाचा बोली जाए? What kind of words should we speak? जो जीवन में रहते हुए दुख दर्दों से मुक्ति भी अनुभव और सुख की अनुभूति। So that we experience liberation from sorrow and pain while being alive as well as experience happiness. ये ज्ञान बाप आकर के हमको देते। The father comes and gives this knowledge to us. ऐसे नहीं कि अगला जन्म होगा तभी हम सुख भोगेंगे, जीवन मुक्ति भोगेंगे, नहीं। It is not that we will experience happiness, liberation in life only when we have a next birth. No. यहाँ ही ज्ञान की इतनी पराकाष्ठा होनी चाहिए। We should reach such zenith of knowledge here itself. कि हमें कोई कितना भी दुख देने का प्रयास करे लेकिन हमारी आत्मा दुखी अनुभव न करे। That no matter how much sorrow someone tries to give us, our soul should not experience sorrow. न दुख लेना है और न प्रत्युत्तर में दुख देना है। Neither should we take sorrow nor should we give sorrow in return. सुख लेना भी है और दूसरों को सुख देना भी। We should take as well as give happiness to others. सुखदाता बाप के बच्चे बने तो सुख का ही लेन देन करेंगे। इफ वी हैव बिकम द चिल्ड्रन ऑफ द फादर द गिवर ऑफ हैप्पीनेस वी विल एक्सचेंज ओनली हैप्पीनेस। तो योग से मुक्ति और ज्ञान से जीवन मुक्ति। सो लिबरेशन इज अटेंड थ्रू योगा एंड लिबरेशन इन लाइफ इज अटेंड थ्रू नॉलेज। इसमें सिर्फ 3 पैर पृथ्वी के चाहिए। ओनली 3 फीट ऑफ लैंड इज रिक्वायर्ड फॉर दिस। क्या इतना बड़ा वर्षा मुक्ति और जीवन मुक्ति का? What? Such a big inheritance of liberation and liberation in life? और वो प्राप्त करने के लिए सिर्फ क्या चाहिए? And only what is required to attain it? 3 पैर पृथ्वी चाहिए और यूनिवर्सिटी नाम
रखा जा सकता है। 3 feet ऑफ लैंड इज रिक्वायर्ड एंड इट कैन बी नेम्ड यूनिवर्सिटी। 3 पैर पृथ्वी में यूनिवर्सिटी नाम रख दो। कीप द नेम यूनिवर्सिटी फॉर 3 feet ऑफ लैंड। दुनिया में यूनिवर्सिटी खोलते हैं तो कितनी जगह चाहिए बोले? इन द वर्ल्ड हाउ मच एरिया डू दे रिक्वायर टू ओपन अ यूनिवर्सिटी? ढेर सारी जगह चाहिए। और यहाँ अ लॉट ऑफ एरिया इज रिक्वायर्ड एंड वॉट अबाउट हियर? यहाँ 3 पैर पृथ्वी चाहिए। 3 feet ऑफ लैंड इज रिक्वायर्ड हियर। गॉड फादरली यूनिवर्सिटी खोलो। क्या? ओपन द गॉड फादरली यूनिवर्सिटी मीनिंग यूनिवर्सिटी ऑफ गॉड द फादर। वॉट? ये कोई मनुष्यकृत यूनिवर्सिटी नहीं है। दिस इज नॉट अ यूनिवर्सिटी मेड बाय ह्यूमन बीइंग्स। क्या नाम रखो? गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। व्हाट नेम शुड यू कीप? गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। आगे हमने यूनिवर्सिटी अक्षर लिखा था। अर्लियर वी हैड रिटन द वर्ड यूनिवर्सिटी। तो गवर्नमेंट ने यूनिवर्सिटी नाम नहीं रखने दिया। बट द गवर्नमेंट डिडंट अलाउ अस टू कीप द नेम यूनिवर्सिटी। तो बाबा ने फिर विश्वविद्यालय नाम रखा। सो देन बाबा केप्ट द नेम विश्वविद्यालय। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। अब विद्यालय कहो विश्वविद्यालय बाय यूनिवर्सिटी कहो बात तो एक ही है। नाउ कॉल इट विश्वविद्यालय और यूनिवर्सिटी इट इज द सेम थिंग। कितना समझाया? अरे ये गॉड फादर यूनिवर्सिटी है। ही एक्सप्लेन्ड टू देम सो मच। अरे दिस इज गॉड फादरली यूनिवर्सिटी जिसमें मनुष्य से देवता बनने की नॉलेज देते हैं। इन विच द नॉलेज टू बिकम डीटीज फ्रॉम ह्यूमन बीइंग्स इज गिवन। तुम ये नाम रखने में क्यों रंगा लगाते हो? व्हाई डू यू प्रोहिबिट अस फ्रॉम कीपिंग दिस नेम? परंतु बोले कि ये गवर्नमेंट का कायदा नहीं है कोई यूनिवर्सिटी नाम रखे। बट दे सेड इट इज नॉट द रूल ऑफ द गवर्नमेंट दैट समबडी कैन कीप द नेम यूनिवर्सिटी। अब उनसे कौन माथा मारे? नाउ हु विल रैक हिज ब्रेन विद देम? हर एक की मत अपनी अपनी। एवरीवन्स ओपिनियन इज डिफरेंट। अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों को। बाप की माता पिता की नमस्ते ओम। अच्छा ग्रीटिंग्स फ्रॉम द फादर द मदर एंड द फादर टू द स्वीट लॉन्ग लॉस्ट एंड नाउ फाउंड चिल्ड्रन ओम शांति।